बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, और जहाँ जहाँ सुबह वहाँ सुबह का सलाम। और यही दिन और इसी दिन की शाम, यही वक्त हमारी मुलाकात होती है हमेशा हमेशा शो टीम ऑफ टू में लाइव ऑन फेसबुक। और ये बड़ी ज़बरदस्त फ्लाइट, बहुत दिलचस्प प्रोग्राम आपके लिए लाते हैं और बहुत मज़े मज़े की बातें होती हैं। और हम आपके दोस्त, आपके होस्ट आपके लिए ये प्रोग्राम लेकर आते हैं और अपने प्यार करने वालों के लिए ये फ्लाइट अपनी बनाते हैं। और शो टीम ऑफ टू टी टॉक में आप कदम रख चुके हैं। हम आपके दोस्त, आपके होस्ट, आपके मेज़बान और आपसे प्यार करने वाले शो टीम ऑफ टू टी टॉक के प्रोड्यूसर शहला जाफरी और अहमद जाफरी, द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू आपके खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। तो हम कहेंगे कि वेलकम टू शो टीम ऑफ टू टी टॉक। बहुत खूबसूरत और बहुत दिलचस्प प्रोग्राम लेकर आए हैं और कुछ बातें हमारे प्रोग्राम की बहुत अहम होंगी, इसलिए हमारी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपने तमाम फैमिली और फ्रेंड्स को मैसेज भेजना चाहते हैं जल्द से जल्द के जस्ट कम ऑनलाइन लाइव ऑन फेसबुक। अहमद इंशाल्लाह जाफरी द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू आपके लिए आज चाय पे बुलाते हैं आपको, और आज बहुत अच्छी और बहुत अहम बातें आपसे शेयर करने वाले हैं। तो लेकिन बातें तो हम करते ही रहेंगे, जब आमना सामना हो गया, चाय हाथ में है आपके, तो फिर बातें ही बातें। लेकिन पहले अहमद से आपकी मुलाकात कराते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाबर्स, गुड इवनिंग एंड ऑफ कोर्स गुड मॉर्निंग, वेयर एवर इट इज़ मॉर्निंग। द वर्ल्ड इज़ कनेक्टेड टू आवर स्टूडियो एंड यू आर वॉचिंग शो टीम ऑफ टू टी टॉक। जी जनाब, आप टी टॉक में हमारे साथ हैं और हर थर्सडे को हम हाजिर होते हैं शाम को 10 बजे से लेके तकरीबन घंटे भर की हमारी फ़्लाइट होती है, हमारा आपका आमना सामना होता है। और इसी तरह से फिर सैटरडे को भी हाजिर हो जाते हैं सुबह 10 बजे आपके सामने, सुबह 11 बजे सैटरडे को हाजिर होते हैं, विच इज़ ईस्टर्न टाइम। तो कीप वॉचिंग शो टीम ऑफ टू थर्सडेज एंड सैटरडेज, थर्सडेज 10 PM एंड सैटरडेज 11 AM। तो आज की जैसे शहरा ने कहा अभी आपसे जनाब, पहले तो मैं पूछूँगा आप सब लोग कैसे हैं। इंशाल्लाह यकीनन बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अल्लाह के फजल करम से हम लोग भी आपके सामने हैं, बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आप लोगों के ईमेल्स, टेक्स्ट मैसेजेस, फ़ोन कॉल्स बहुत हौसला देती हैं, इसी तरह से ये मोहब्बत कायम रहे, बड़ा मज़ा आता है और आप लोगों के साथ रहता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का जनाब। सलीम चौधरी साहब ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साहब, सो नाइस ऑफ यू। अच्छा, अभी शैला ने कहा कि जनाब आज बड़ी मज़ेदार बातें होंगी, बड़ी अहम बातें होंगी। मैं तो अभी तक गलत फहमी में था कि जो मुझसे बातें हो रही थी वो मज़ेदार तो थी, जो अहमियत आई डोंट नो। अब तो मैं शैला से पूछूंगा कि आज ही क्यों, ये तो आपकी हमेशा बातें अहमियत के हामिल होती हैं, अच्छी बातें होती हैं, खुशगवार होती हैं, तो हमेशा आपके सामने अच्छी ही बातें लेके आती हैं, आज कुछ ज़्यादा अहमियत दे रही हैं। लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन। ओके, सो कीप ऑन वॉचिंग शो टीम ऑफ टू जनाब। जी बिल्कुल अहमद, क्या कहना चाहिए, मगर बाज़ बातें अहम तो सारी बातें होती हैं जो हम लेकर आते हैं ताकि आप तक पहुँचें, लेकिन बाज़ बातें ऐसी होती हैं अहमद कि उनको पहुँचाना ज़रूरी होता है। बाज़ ऐसी होती हैं ना आप तक पहुँचे, हमने सुनी नहीं सुनी, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं। एक तो चूंकि हम सोशल मीडिया पर हैं तो हम जितना भी आप लोगों की खिदमत कर सकते हैं करें, जो भी बता सकते हैं वो बताएं। तो समटाइम्स कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि रियली हमें बतानी हैं, लेकिन उससे पहले हम ये बताएं कि शो टीम ऑफ टू टी टॉक हम कंडक्ट करते हैं फ्रॉम कैनेडा, ऑन्टेरियो की सिटी ब्रैम्पटन से, जहां इस वक्त टेम्परेचर -3 हो रहा है और थोड़ी देर में -7 हो जाएगा और सुबह -9 पे पहुंच जाएंगे हम। और इस वक्त विंड जो है वो नॉर्थ नॉर्थ ही विंड है, 6 किलोमीटर पे है, लेकिन ह्यूमिडिटी 87% है। और सुबह होगी हमारे यहाँ, यहाँ कैनेडा में, सॉरी ओंटेरियो में जहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं, सुबह सूरज निकलेगा 7:50 पे।
और जी जनाब ये है मौसम का हाल। और लेकिन स्टूडियो में तो बिल्कुल नॉर्मल मौसम है, बल्कि थोड़ा गर्म है क्योंकि लाइट्स ऑन है, तो ये तो स्टूडियो में तो ऐसा ही होता है। देखिए अहमद, आपने बातें की कि शहला ने कहा, मैंने कहा कि ये मैं इतनी इम्पोर्टेंट, मैं तो सब बातें इम्पोर्टेंट तो बातों से समझता बातें हूँ। निकालता हूँ, हाँ मेरे तो बस निकालते रहिए आप, जरूर बहुत जरूर अच्छी बात जी है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन देखिए जनाब कि नीलोफर नसीम साहब आ चुकी हैं जी आप। बिल्कुल आज वो हाजिर होंगी, उनका मैसेज आ गया है कि वो आएंगी, कुछ प्रोजेक्ट्स लेके पाकिस्तान के बारे में हमें बताएंगी, और देखते हैं आज क्या बताती हैं। वाकई बहुत अच्छी बातें लेकर के हाँ आती हैं। अच्छा, अब हम चाय का एक सिप ले लूँ मैं, जरूर क्योंकि जरूर चाय आज पीजिए कुछ आप। ज़्यादा ज़रूरत। क्या बात है, आपके साथ चाय पीने की क्या बात है भाई। देखिए अच्छा, मैं कुछ टॉपिक्स लेकर आई हूँ और उन पे मैं बात करना चाहूँगी अहमद। अपने साथियों को मैं बता रही हूँ कि वाई मिसिंग ऑस्कर अवार्ड, हम इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। ओके ओके फिर ऊबर राइडर एक काफ़ी वायरल हो रहा है ये, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि शायद कुछ लोगों को पता नहीं होगा, तो उनसे शेयर किया जाए। फिर मास्क लेस, ये एक वाकया कह लें, हादसा कह लें, जो भी कह लें। नजरुल इस्लाम पे हम बात करेंगे, ये हमारे फिल्म उसमें से थे, इंडस्ट्री में से, और बहुत काम किया इन्होंने और बहुत अच्छा काम किया, अच्छा इनके बारे नीलोफर में नसीम बताएंगे। साहबा अस्सलाम वालेकुम कह रही हैं। वालेकुम अस्सलाम और जीती रहें। मैं भी इनको वालेकुम सलाम कह दूं। नीलो वालेकुम अस्सलाम एंड हैव अ कप ऑफ टी विद अस। हाँ अच्छा, थैंक एक देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यू। ऑन्टेरियो सिक्योरिटीज कमीशन, जी OSC कहा जाता है इस डिपार्टमेंट को। अच्छा हाँ, इन्होंने, इनके तरफ से कोई इन्वेस्टिगेशन हुई थी, और वो मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ, जो उन्होंने पील रीजन पुलिस के साथ मिलके किया था, और इससे रिलेटेड है मुजाहिद अली सैयद एंड अच्छा संजीव कटियाल। अच्छा मैं नाम इसलिए ले रही हूँ कि हाँ देखिए हाँ अवेयरनेस दिलानी है ना हमने, बिल्कुल दिलानी। तो इनके ऊपर हम बात करेंगे कि क्या है, क्योंकि चीज़ें तो मैं बहुत सारी लाई थी, लेकिन मैंने ये चूज़ किया कि हम इनको पहले बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर कुछ रह जाता है तो वो भी हम कवर करेंगे सैटरडे मॉर्निंग, इंशाल्लाह ठीक है। राशिद असद राशिद सत्ती साहब आ चुके हैं। अच्छा, माशाल्लाह बहुत बहुत वेलकम शुक्रिया बहुत बहुत वेलकम शुक्रिया। वेलकम टू शो टीम ऑफ टू, टी टॉक चाय पे बुलाते हैं आपको अहमद इंशाल्लाह जाफरी, द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू। तो आइए चाय पे बातें करते हैं हम लोग। ठीक है हम ऐसा करते हैं कि क्या बात पहले किया जाए पहले अहमद, की जाए या किया जाए। जो भी चाहें आप। अच्छा हाँ, हरीम शाह के बारे में सभी जानते हैं कि टिकटॉकर हैं, ठीक है और उनकी खबरें बड़ी गर्म हो रही हैं, तो मैंने कहा क्यों ना ये गर्मी लाई जाए, टी टॉक पर चाय पे भी बातें होनी चाहिए। हाँ तो बहुत सारे नोटों के साथ उन्होंने अपनी वीडियो बनाई है और वो मुश्किल में फंस गई हैं। कुछ याद है अहमद आपको? हाँ थोड़ा अच्छा, बहुत जी। उन्होंने एक वीडियो बनाई, टिकटॉक वीडियो, क्योंकि टिकटॉकर हैं और बहुत मशहूर हैं, बहुत पैसे बना रही हैं, और हरीम शाह का नाम हर एक की जुबान पे हाँ टैक्स भी देना टिकटॉक चाहिए। नहीं, टैक्स की तो बात बाद बाद में में अच्छा है। बाद में हाँ चलिए ठीक है लेकिन देखिए मैं इसलिए शुरू में बता रही हूँ, जरा मूड में आ जाएं आप लोग और ठीक। हमारे साथ जुड़े रहें, और तमाम साथियों को मैसेज भी करें भाई आप लोग भी कि सुन रहे हैं, आप प्लीज। लोग भी पीछे हो जाइए, टैक्स हाँ कीजिए, कॉल कीजिए, व्हाट एवर इट इज। स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, हाँ हमारे स्टूडियो का नंबर है 6 4 7 2 7 3 2 3 9 3। मैं क्या पूछने जा रही हूँ कि हरीम शाह ने अपनी टिकटॉक वीडियो में हाँ जो पैसे दिखाए हैं, नोटों की गड्ढे दिखाए हैं, अच्छा जिसकी वजह से वो ट्रबल में आई हैं, ओहो इंटरनेशनल वो डॉलर स्टोर किए छोटे। मामला बन रहा है ये, ओह अच्छा अच्छा रियली सीरियस अच्छा मैटर हो गया अच्छा है। क्या वो सच्चे हैं? हाँ यही मैंने कहा ना डॉलर स्टोर के खरीदे हुए। नो, लग तो सच्चे अच्छा हैं। मेरे बहुत अच्छे दोस्त मेरे रियल एस्टेट के साथी हाँ जी, जनाब निसार कल्लू साहब कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम टीम ऑफ टू अस्सलाम, जस्ट फॉर यू लुकिंग गुड। थैंक थैंक यू यू वेरी निसार थैंक यू मच। थैंक यू साहब। बस निसार साहब क्या हाल है यार, कॉल करो स्टूडियो में करना है आप तो। लोग आ जाते यस हैं तो हम अच्छा फील करने लगते हैं। कम्युनिटी के लिए ये भी बहुत अच्छा काम जी करते हैं, इनका अपना बिल्कुल, टीवी कम्युनिटी टीवी है इनका। जी बिल्कुल, अच्छा नीलोफर नसीम साहब जो है वो हमें वॉच जरूर कर रही हैं हाँ और ऑलवेज माय प्लेजर कह रही हैं। हाँ थैंक यू सो मच। आई नो आप जिस दिल से आती हैं हमारे पास, और
बताती हैं बातें हमें पाकिस्तान के बारे में, हमें पता है कि आप बहुत दिल से आती हैं, हाँ और इंशाल्लाह इसी तरह चलता रहेगा। हाँ और निसार और कल्लू साहब भी कह रहे हैं ऑलवेज वेलकम, तो हाँ, ऑलवेज थैंक यू। वेलकम, तो गिव अस अ कॉल एट आवर स्टूडियो 6472732393। ठीक अच्छा है, अच्छा जफरुल्ला खान साहब भी आ चुके हैं जनाब अच्छा, हमारे साथ, वेलकम टू शो टीम ऑफ माशाल्लाह टू। से। और जितने लोग भी हमें अभी देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उनको हम वंस अगेन वेलकम करते हैं, और जितने लोग हमें बाद में भी देखें और सुनेंगे उनको भी हम वेलकम हाँ करते हैं। अहमद इंशाल्लाह जाफरी, द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू विद रीमैक्स रियल एस्टेट सेंटर, आपके लिए खूबसूरत प्रोग्राम लेकर आते हैं। और अगर रियल एस्टेट के हवाले से आपको बात करनी है तो आप 416-704-0651 पे कॉल कर सकते हैं। और ये खूबसूरत प्रोग्राम क्या है, ये खूबसूरत प्रोग्राम ये कि हम आपको चाय पे बुलाते हैं बड़े प्यार से, तो आइए चाय पे बातें करते हैं। अच्छा, मैंने सारे टॉपिक्स तो बता दिए, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हम बात करेंगे। आपके लेकिन पास टॉपिक्स की कोई कमी है? कमी एक्चुअली चाय पे तो कभी भी कमी नहीं होती, नहीं होती, बताइए आप, राइट, है ना। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। चाय पे कभी कमी नहीं, चाय पे तो अच्छा, बातें चाय पे आती ही बड़े अच्छे अच्छे जाती हैं। कमर्शियल्स भी बने, मुझे बहुत हाँ, पसंद है। मुझे लगता है हमारी कॉफी तो नहीं हो रही कि एकदम से तो चाय का बहुत खर... चाय लेकिन के, हाँ, हाँ, पाकिस्तानी वो दो मुझे तीन नाम नहीं याद कमर्शियल्स आ हैं रहा। चाय के ऊपर, बड़े अच्छे अच्छे जी, लीजिए कॉल देखिए आ गई कॉल आई जनाब। है, देखते हैं कि कौन है हमारे साथ, हम वेलकम करते हैं। वेलकम टू शो टीम ऑफ टू टी टॉक। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन, मेरे भाई, आप कैसे हैं? निसार कल्लू ओए ओए कहते निसार कल्लू साहब, कम्युनिटी टीवी के मेरे सितारे, हाँ रियल एस्टेट के जी, सितारे, वालेकुम मेरे अस्सलाम। ऑफिस के सितारे। बिल्कुल बिल्कुल, वेलकम। बहुत अच्छे माशाल्लाह आप लग रहे हैं, और हमेशा आप बड़ी इन्फॉर्मेशन के साथ और बड़ा अच्छा प्रोग्राम करते हैं। तो अभी मेरी बहन हरीम शाह के बारे में जिक्र कर रही थी, तो अभी उनका भी एक भाई आ गया है। वो भाई कह रहा है ये मैं मनी एक्सचेंज का काम करता हूँ, और हरीम शाह मेरे साथ बैठी हुई थी, उनके अच्छा पैसे मेरे थे। अच्छा और अरे हाँ जी, तो वो कह रहा है कि जी मेरी ये बहुत प्यारी बहन है और इनका मेरे साथ रिश्ता बहन भाई वाला है, माशाल्लाह, तो जनाब ये पैसे मेरे थे, ये हरीम अच्छा, शाह के नहीं थे। ओ देख लीजिए शैला, कितने अच्छे लोग हैं देखिए भाई के, इन्फॉर्मेशन फौरन मिल मिल गई। गई, अच्छा एक निसार सर क्योंकि कल्लू ना साहब, एक मिनट मैं इनकी ये बात भाई की करती हूँ कि क्योंकि इसको तो मैंने सुन रही थी कि ये इंटरनेशनल उस पे चला जाएगा केस, जो उनके ऊपर आई डोंट नो कि गासिप है या रियल है, अच्छा हाँ मनी लॉन्ड्रिंग इनसे का। गॉसिप में भी, अच्छी बात है, जाना चाहिए, लेकिन नहीं जाएगा। ये लोग आप समझते हैं, इन लोगों के हाथ पांव बहुत लंबे लंबे होते बहुत हैं। लंबे लंबे होते हैं, देख लीजिए कि बोट में भर के, और जिस लड़की को भेजा गया था दुबई, उसको जिसने हाँ पकड़ा जी बेचारे, उसको तो गोली मार दी। और ये हाँ जनाब जी, भी क्या बात है, सब हाँ कुछ जी, फ्री फील रहा ये है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन बदकिस्मती ये है कि सिस्टम ये अभी तक इनके लिए बहुत इनकी फेवर में जाता है, जी 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 और जी ये ऐसे ऐसे प्रूफ ले आते हैं, ऐसी ऐसी रसीदें ले आते हैं, चीजें जी ले जी आते हैं, विटनेस ले आते हैं, और लोग भी ऐसे सामने आ जाते हैं सपोर्ट करने के जी जी लिए कि मतलब अल्लाह ही माफ करे उनको। बेशक। अभी निसार कल्लू साहब, आपने शुरू में के साल में आपने एक लिस्ट, एक सेल्स डाली के माय फर्स्ट क्लोजिंग, मैंने उसके ऊपर आपको एक बड़ा अच्छा सा पैगाम भेजा था, वो ये था कि इट्स द क्लोजिंग ऑफ योर फर्स्ट डील, बट इट्स द ओपनिंग ऑफ योर मैनी मैनी डील्स टू कम। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आप हमेशा, अहमद भाई आप बहुत सपोर्ट करते हैं, जाफरी साहब हमेशा शुरू से लेके, बल्कि मैं आपसे मशवरा भी करता हूँ, हमेशा पॉजिटिव फीडबैक आता है और एनर्जी मिलती है आपका, जो आप वर्कआउट कराते हैं उससे भी और आपकी बातों से अरे भी। थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा निसार कल्लू साहब, मैं आपको, मैं जूम पे करा रहा हूँ आजकल, तो मैं जूम का जी लिंक आपको भेज दूंगा। एवरी वेंसडे को जूम पे अच्छा मेरा वर्कआउट होता है 2:30 पे। जी, इफ यू आर इंटरेस्टेड आई कैन अच्छा सेंड यू, एंड यू कैन ऑलवेज ज्वाइन, एंड यू कैन टेल योर फ्रेंड्स टू, या प्लीज डू इट, यू नो दिस इज इंशाल्लाह। वेरी नाइस। आजकल तो क्लब बंद है हाँ एक्सरसाइज बिल्कुल करने के जी लिए, तो जी जी ये बहुत अच्छा है। मैं तो क्योंकि मुख्तलिफ तो क्लब्स में वॉलंटियर करता हूँ, जाता हूँ फिजिकली, कहीं 150 लोग होते हैं, कहीं 50 होते हैं, तो मतलब यू नो आई डू इट वॉलंटियरली, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह जूम पे जो सिलसिला किया हुआ है, ये इज अ वेरी गुड थिंग, और काफ़ी अरसे से मैं कर रहा हूँ ये, इन दिनों में जी जब के पाबंदियाँ होती हैं तो जूम पे शुरू हो जाते हैं हम लोग। जी
रुकते नहीं जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, कैरी ऑन योर नहीं प्रोग्राम, आप अल्लाह भाई हाफिज़ देखिए, आपको। जाने से पहले आपने एक छोटी सी बात करनी अरे है हाँ चाय पे, छोटी सी, आप कौन सी बात करके खुदा हाफिज करेंगे? ये बहुत मैं हमेशा एक बात जी, जाफी साहब, मेरी बहन शैला बहन, मैं हमेशा एक बात करता हूं कि मेरे मेरा एक प्रोग्राम है जो कासम अली शाह फाउंडेशन के साथ मुंसलिक है। अच्छा वहां अच्छा से हमारे जस्टर इनवारुल हक साहब काम करते हैं, जी आओ सुलह करें के नाम से। अच्छा मैंने उनका भी 10 दिन पहले इंटरव्यू भी किया था, साबक चीफ जस्टर लाहौर हाई कोर्ट है, अच्छा माशाल्लाह, तो मैं उनके साथ मिलके प्रोग्राम करता हूँ, लोगों की सराह करवाने में काफी किरदार अदा करने की कोशिश करता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, तो मेरी सबके साथ और आपके प्रोग्राम की विसादत से यही दरख्वास्त है कि कभी किसी की आपस में नाराजगी हो, सुलह करने में पहल किया करें। अल्लाह बेशक बेशक कभी भी इस चीज को अना का, खुदी का, अपनी गर्दन में सरिये का मकसद ना बनाया करें। बेशक, आप पहल करें, सुलह करें, और अल्लाह ताला को झुकने वाला बंदा पसंद होता है, बहुत अकड़ के खूब रहने वाला पसंद नहीं होता। बहुत खूब, आजजी के साथ रहेंगे, खलूस के साथ रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, तो हमेशा अल्लाह ताला भी खुश होंगे और पूरी इंसानियत भी खुश होगी। बहुत बेशक शुक्रिया, बहुत बहुत प्यारी प्यारी बात की कॉल, है। बहुत प्यारी कॉल और बहुत प्यारा मैसेज, थैंक यू वेरी मच भैया। और इंशाल्लाह मुलाकात भी रहेगी, और आई एम स्टिल लुकिंग फॉरवर्ड टू कि आप और हम मिल करके इंशाल्लाह अपना एक रियल इस्टेट का शो करते हैं, जी 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 जरूर जरूर जबरदस्त सा इंशाल्लाह। लोगों के लिए, जो बड़ा मुफीद होगा और आपके तजुर्बा से हमें भी फायदा मिलेगा। लाइन इनकी डिस्कनेक्ट हो गई। ओके अच्छा ओके, अतीक फारूकी साहब आ चुके हैं जी, और कह रहे, यू नो, बहुत सेंड मी प्यारी जू, कॉल थी कह रहे हैं ये। कि सेंड मी जूम लिंक टू। ओके, आई विल अच्छा सेंड यू जूम लिंक इंशाल्लाह, एंड आई आई गेन वेट टू। ओ कम ऑन, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, आई इंशाल्लाह वी विल जॉइन टुगेदर। आई सेंड यू द जूम मीटिंग ऑन वेंसडे मॉर्निंग और जी, हमें ट्यूसडे की इवनिंग को। हम ऐसा करते हैं, अपने कमर्शियल की जानिब चलते हैं, फिर अच्छा, वापस आएंगे, और ढेरों अतीक बातें फारूक भी करेंगे। हमारे जो है रियल इस्टेट के बड़े जी अच्छे साथी हैं, बिल्कुल। वेरी सक्सेसफुल माशाल्लाह। चलिए हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, एंड विल बी राइट बैक। Buying a house or selling a house, the team of two just for you. That is none other than Ahmed and Shahla Jaffrey. Free market evaluation with no obligation for all your real estate needs. Real estate ki duniya mein ek aisa naam jo aapke ghar ke sapne ko haqeeqat mein badalne mein kadam kadam aapke saath. Call Ahmed and Shahla Jaffrey 416-704-0651. ठीक है, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू शो टीम ऑफ टू टी टॉक। नीलोफर नसीम फ्रॉम कराची पाकिस्तान, रिपोर्टर फॉर शो टीम ऑफ टू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम एंड अस्सलाम, वेलकम। कितनी प्यारी प्यारी सी आवाज आई है जनाब, बड़ी दूर से कोयल कुकी जी कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब कैसे हैं? बिल्कुल अल्लाह का ठीक, करम एहसान। अल्हम्दुलिल्लाह। अहमद भाई, दूर से आवाज तो दूर से आई है, लेकिन हम और आप एक दूसरे से दिल से बहुत करीब अरे हैं। क्या बात है, ऑफ वाह कोर्स वी आर वाह ऑलवेज ऑलवेज, वाह, क्या बात है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। माशाल्लाह, अल्लाह पाक ऐसे ही कायम दायम रखे माशाल्लाह। आमीन सर, मैं आमीन। और आपने जैसे बताया कि वेदर चेंज हो रहा है, काफी टफ होने वाला है, तो बहरहाल अल्लाह ताला आप सबको महफूज रखे और बहुत ही हर तरह से आप लोगों को बहुत सी अपनी नेमतें अता करें, तो आमीन मेरी ये आमीन दुआ है सर, आपके लिए। बहुत शुक्रिया, सेम एज यू फॉर यू गाइस। थैंक यू सो मच। कराची में तो मैं मौसम काफी बेहतर हो गया है, अच्छा बल्कि सर्दी कम हो गई है, अच्छा लेकिन फिर भी बहुत मजेदार सर्दी हो रही है। जी ओह हाँ, अच्छा, ये बताएं कि मजेदार क्या जायका से आप इसका ताल्लुक कैसे हो गया ठंडी, सर्दी का? जायका ठंडा है इसका। नहीं मैंने बात खत्म मैंने नहीं हुई आपसे नहीं है। पूछा शाला,
मेरी बात श्याला से आपसे नहीं, नीलोफर साहबा से हो रही है, और इतनी दूर बैठी है तो वो जायका की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनको जवाब देने दें आप। जी भाई, बात ये है कि मजेदार से मेरा मकसद ये होता है कि एंजॉय करने वाला मौसम होता है, उसमें खाना पीना मैं समझता हूँ, मैं जी ठंडा बहुत अच्छा लगता है। बेशक बेशक भाई, हम जैसा जाए मजाक मैंने आपसे पूछा कि जायका, लेकिन मैंने जायका बता दिया इनको ठंडा। और बिल्कुल ऐसा जायका होता है जैसे चाय जो शेला पी रही है इस वक्त, सही बिल्कुल बिल्कुल, मैं फिर एक घूंट ले लेती हूँ। चलिए माशाल्लाह। तो आज हम अपने अच्छी अच्छी खबरों से शुरू करें। बेशक। अच्छा, तो पहली खबर तो है जिसको मैं अच्छी खबर कहती हूँ, वो ये है कि पीआईए पाकिस्तान नेशनल एयरलाइंस है, उससे 2937 मुलाजमीन को फारिग कर दिया गया है। ये अच्छी खबर है। देखिए, मुझे पता था कि आप शॉक रह जाएंगे कि ये अच्छी खबर है, लेकिन ये वाकई बहुत अच्छी खबर है। ओके, इसकी वजह ये है भाई कि एयरलाइंस, हर एयरलाइंस के कुछ उसूल होते हैं, और पीआईए के एक जहाज पर 250 मुलाजमीन जहां जरूरत थी वहां उस एक जहाज पर 504 मुलाजमीन भर्ती किए गए। 504 बताइए, और कहां 250 है बताइए। जी 250 चाहिए होते हैं और 550, 550 थी, यानी कि डबल से भी ज्यादा बताइए ये तादाद थी, तो इनको फारिग किया गया। बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसको तफसील से बताऊँ, इस वजह से ये ज्यादा थी तादाद, तो इस वजह से पी आई जो है मुसलसल खसारे में जा रहा था, और ये खसारा बढ़ते बढ़ते 462 अरब रुपए तक बढ़ गया था। तो ये एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल में पीआईए थी, और बहुत ही एक समझे कि नीचे की तरफ ये जा रही थी, और इसके ऊपर जब ये गवर्नमेंट आई है तो 2018 से इसकी तहकीकात जारी थी, कुछ करप्ट लोग इसमें बेनकाब हुआ है इस तहकीकात के नतीजे में, उसमें से 873 ऐसे मुलाजमीन थे जिनकी डिग्रियां जारी थी। बताइए आप जरा। और वो फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली पिछले 30 सालों में उनको भर्ती किया गया था, और वो काम भी कर रहे थे। इसमें से ज्यादा तादाद उन लोगों की थी जो 40,000 से 50,000 महाना तनख्वाह लेते थे। जब ये तहकीकात शुरू की गई तो ऐसे लोग अदालतों में चले गए, और वहां उन्होंने 10-10 करोड़ रुपए फीस लेने वाले वकीलों को हायर किया। आप सोच सकते हैं कि वो क्या उनकी इनकम थी, और क्या उन्होंने कितना पैसा खर्च किया वकीलों को हायर करने के लिए। फिर ये मुकदमा ग्रेजुअली बढ़ते बढ़ते सुप्रीम कोर्ट तक चला गया, लेकिन वही मुकदमा आखिर में सुप्रीम कोर्ट में जाके हार गए, और उनको अपनी नौकरियों से भी फारिग कर दिया गया। वेरी गुड, वेरी गुड न्यूज़। अच्छा, इसमें से 50 तो सिर्फ ऐसे लोग थे जो पायलट्स के तौर पे यहाँ काम कर रहे थे और जिनकी डिग्रियां जाली थी। बताइए अब आप सोच सकते हैं कि इतनी अहम पोजीशन पर काम करने वाले लोग अगर जाली डिग्रियां रख रहे थे तो यकीनन उनको निकालना बहुत ही खुशाइन बात थी, बहुत ज्यादा, जैसे कि मैंने पहले कहा। अच्छा, इसके अलावा 1,000 घोस्ट मुलाजमीन भी को भी नौकरी से निकाला गया है, जो तनख्वाहें तो ले गए थे लेकिन उनका वजूद कहीं नहीं था। ये हमारे मुल्क में क्या इसके हो रहा था? इसके साथ साथ अभी आप सुनते जाइए, इसके साथ साथ 1,100 ऐसे लोग भी थे जो करप्ट भी थे, जो लॉ एंड ऑर्डर का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते थे, अपनी फराइज से गफलत बरतते थे, यानी कि बहुत छुट्टियां करते थे, अपने पोजीशन का नाजायज फायदा उठाते थे। उन 1,100 मुलाजमीन को भी यहाँ से फारिग कर दिया गया। Wonderful, beautiful. ये तो बहुत पहले से साथ साथ जी, इसको होना तो बहुत पहले चाहिए था, इसीलिए ये खसारा इतना ज्यादा बढ़ गया था कि लोगों को पे नहीं कर सकते थे, और पीआईए के ऊपर ये बोझ था, और ये बहुत इसकी जो कारकर्दगी थी वो कम से कम तर होती चली जा रही थी। इसके जिम्मेदार प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट जी, इसकी जो जो
जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो सिंध गवर्नमेंट की थी ना, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, जिसकी वजह से सब कुछ हुआ। जी ये एक्चुअली ये PIA जो है ये कौमी इदारा है, इसको हमारा जो हुकूमत है इसको ऑन करती है, ठीक है। लेकिन चूंकि हुकूमत में रहने वाले लोग उनको ऐसे लोगों को जबरदस्ती वहां भर्ती कर रहे थे जिनकी जरूरत नहीं थी, उसकी वजह से ये इसके ऊपर इतना बोझ आ गया। बताइए जरा। जी अच्छा, इसके साथ साथ एक वॉलंट्री सेपरेशन स्कीम के तहत 1900 लोगों को गोल्डन हैंडशेक दिया गया है, जो अपनी रिटायरमेंट के बहुत करीब थे या फिर ऐसे थे कि जो हमारी PIA के लिए एक्सेस, उनकी जो मौजूदगी थी वो एक्सेस थी, तो उनको भी गोल्डन हैंडशेक देकर उनको फारिग किया गया है। अच्छा। इस पर हुकूमत के तकरीबन 12 अरब 37 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। ये खर्च जो है वो एक दफा हुकूमत ने किया है, जबकि इसकी सारी इस सारी एक्सरसाइज से हुकूमत को सालाना 8 अरब रुपए का फायदा होगा। बहुत हो, बहुत हो। इसके साथ साथ नॉन प्रॉफिटेबल रूट्स जो हैं उनको बंद कर दिया गया है और प्रॉफिटेबल रूट्स को फाल करने की कोशिश की जा रही है ताकि PIA को फायदा हो। और इस हुकूमत इस बात पर भी गौर कर रही है कि PIA का 662 अरब रुपये जो खसारा है उसको ऑन कर ले और PIA को कर से आजाद कर दिया जाए ताकि PIA को रिलीफ दिया जाए और उसके बाद दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन बनाया जाए और हर साल जो रिटायर होने वाले मुलाजमीन हैं उनकी जगह जो 800 से 900 लोग हर साल रिटायर होते हैं उनकी जगह मेरिट पे भर्तियां की जाए। बेशक, बहुत अच्छी बात है। और मैं कहता हूँ तो ये एक इसी जिम्मे पाकिस्तान में जो है स्टील कॉरपोरेशन, उसको भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए और उसको स्टार्ट करना चाहिए। बहुत हैवी मशीनरीज है वहाँ पर, बहुत एक्सपेंसिव जो जगह है, और मैंने खुद देखा था एक ज़माने में बहुत प्रॉफिटेबल थी, लेकिन देखिए कि उसका हर शहर बड़ा गर्क कर दिया है सिंध गवर्नमेंट ने, और उसको भी देखना चाहिए। और उसको भी इसी तरह से और भी इदारे हैं जिनको बहरहाल ये गवर्नमेंट बहुत अच्छे काम कर रही है, अल्लाह पाक इसको कायम दायम रखे। और बहुत अच्छी खबर दी आपने आप भाई, आपने बिल्कुल सही कहा, पाकिस्तान स्टील का भी बिल्कुल यही हाल है। इसके अलावा भी जो गवर्नमेंट ओन इदारे हैं उनके साथ सबके साथ यही किया गया है और वो अपनी मनपसंद लोगों को उसमें भर्ती किया गया है, चाहे उनकी जरूरत हो या ना हो, और इस तरह उस इदारे को इतना नुकसान पहुंचाया गया कि वो बिलाखिर बंद होने के करीब हो गई, बल्कि लोगों को परेशान किया जा रहा है, लोगों को वहां से फारिग किया गया है। मीडिया इस बात पे बहुत शोर मचा रहे हैं कि इतने सारे लोग जो हैं उनको निकाल दिया गया, लेकिन जाहिर है कहीं ना कहीं तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो इस तरह से इस एक तरह से यूं समझिए कि ऑपरेशन हो रहा है जिससे चीजों को दुरुस्त किया जा रहा है। मैं बता दें मीडिया में भी कुछ ऐसे बेशुमार मीडिया वाले जिनको नोटों उनके मुंह बंद कर दिए जाते हैं नोटों से, और ये अपोजिशन पार्टीज जो है मैं समझता हूँ पॉलिटिकली ये बहुत बड़ी गलत बात है, वरना मीडिया का तो काम है कि एक अनबायस्ड होकर बात करे, लेकिन जब इस तरह की खबरें हम सुनते हैं और ये इनके फेवर में ये लोग बातें करते हैं क्रिमिनल्स के, तो बहुत बहुत ही मतलब, और फिर पता चल जाता है दूसरे जराए से कि हु इज़ इन्वॉल्व एंड हु इज़ नॉट, एंड मोस्टली व्हेन इट कम्स आउट इज अपोजिशन पॉलिटिकल लीडर्स। बिल्कुल, और नीलोफर नसीम साहिबा, बहुत से लोग हमें फीडबैक दिए देते हैं कि हमें ये बात पता ही नहीं थी जो आपकी रिपोर्टर ने हमें बताई, हमें इसका अंदाज़ा ही नहीं था, जो आप रिपोर्टर आपकी हैं पाकिस्तान से उन्होंने बताया तो हमें अंदाज़ा हुआ कि रियलिटी क्या है। नहीं, नीलोफर नसीम साहबा की रिपोर्ट माशाल्लाह बहुत बहुत जबरदस्त, नासिर कुरैशी साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। जी कह रही हूँ नीलोफर साहबा। अच्छा, दूसरी खबर जो मैं आपको देना चाहती हूँ वो भी बहुत जबरदस्त खबर है, वो है हमारी प्लानिंग मिनिस्ट्री के मुताबिक। अच्छा। ये प्लानिंग मिनिस्ट्री को हर साल तरक्याती कामों के लिए अरबों बल्कि खरबों रुपयों के फंड्स जारी किए जाते हैं ताकि वो जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें ये पैसा लगाया जाए। अच्छा। लेकिन बदकिस्मती से होता ये है कि उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं होती, क्योंकि जो पुराना फरसुदा सा निजाम है हमारे डायरेक्टर्स हैं प्रोजेक्ट पर जाना होता है, उसके बाद उनके अपने खर्चा होते हैं और इस तरह वहां पे उस दौरान पता ही नहीं चलता।
थोड़ी सी आवाज आपकी डिस्टर्ब हो रही है हाँ जी आप जी। कहिए बोलिए 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 मैं दोबारा दोहरा दूं जी जी। जी देखिए मैं ये आपको बता रही हूँ प्लानिंग मिनिस्ट्री के मुताबिक उसमें हर साल बहुत खरबों रुपए के फंड दिए जाते हैं तरक्की कामों के लिए, लेकिन जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स होते हैं वो हर साल में 2 दफा यानी हर 6 महीने के बाद उस प्रोजेक्ट की विजिट करते हैं और अपनी रिपोर्ट्स देते हैं। उस दौरान में जितने भी मसाइल होते हैं उनका पता ही नहीं चलता कि क्या मसले वहां पैदा हो रहे हैं, बताइए। क्योंकि 6 महीने बाद फिजिकली वो वहां जाते हैं, वहां देखते हैं, उसके बाद रिपोर्ट बनाते हैं और उसके बाद फिर उसके पर काम होता है। इसके लिए प्लानिंग मिनिस्ट्री ने और स्पार्को जो एक सेटेलाइट इदारा है उन्होंने मिलकर GIS बेस्ड सिस्टम के तहत एक ऐप बनाया है जिससे वो अपने मोबाइल पर कंप्यूटर पर की मदद से वो उस प्रोजेक्ट का जायजा ले सकते हैं 24 आवर्स या एवरी मिनट एवरी उसकी आवर मॉनिटरिंग कर सकते हैं। बिल्कुल तो सेटेलाइट की मदद से चूंकि ये लिया जाएगा इससे उसकी क्वालिटी और क्वांटिटेटिव दोनों प्रोग्रेस मालूम की जा सकेगी और इस तरह हर लम्हे पैदा होने वाले जो मसाइल हैं उनको भी फौरी तौर पर हल किया जा सकेगा, फैसले फौरी लिए जा सकेंगे। और देखिए इस तरह की जो प्लानिंग जो करती है वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में होते हैं, उसमें मोटरवेज हैं, डैम्स हैं, रेलवेज हैं, इसी तरह बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं और ने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उस पर ये काम कर। तो अब पहले ये होता था कि मसाइल का पता ही नहीं चलता था दरमियान में, और लेकिन अब ये है कि 24 आवर्स जब उसको मॉनिटर किया जाएगा तो वो प्रोजेक्ट्स जो 6 महीने बाद जब उसकी एक तरह से समझे देखा जाता था उसको और मसाइल इतने बढ़ जाते थे तो जो उस पर पैसा लगता था उस वो बढ़ जाता था, यानी कि अगर 1 अरब का प्रोजेक्ट है तो वो 7 अरब तक पहुंच जाता था। तो उससे बहुत ज्यादा ये हर्डल्स ये सारे खत्म करने के लिए इसको बनाया गया है और ये एक तरह से बहुत ही अच्छा फैसला है। वंडरफुल वंडरफुल। और इस जो ये ऐप है इसको फाइल कर दिया गया है, उसका इस्तेमाल भी शुरू कर दिया गया है। ये बेसिकली सीपैक से मुतालिक जो भी प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं उसमें जो हर्डल्स आ रहे थे उनको देखते हुए किया गया था ताकि फौरी तौर पे ये पूरे किए जा सकते हैं और ऑन टाइम ये खत्म किए जा सकें। वंडरफुल, बहुत अच्छी। ये एक ऐसा कदम है जिससे तरक्याती कामों में बेहतरी भी आएगी, तेजी भी आएगी और मुकम्मल किया जा सकेगा। ठीक है, देखिए ये छोटी छोटी तब्दीलियां हैं इससे वो सारे लूप होल्स को बंद किया जा रहा है जिसकी वजह से कोई प्रोजेक्ट जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकता था वक्त के मुताबिक, जो दिए गए वक्त है उसे के अंदर अंदर वो काम पूरा नहीं हो सकता और कॉस्ट बढ़ती जा रही थी इस वजह से ये किया। ठीक ठीक ठीक। अच्छा एक आपसे रिक्वेस्ट, तो आप यूँ समझ ले कि पहले जो काम किया जा रहा था वो एक बुखार के लिए या किसी भी डिजीज के लिए पैनाडोल दी जा रही थी, लेकिन अब ये है वो कीमोथेरेपी से इलाज किया जा रहा है। उम्मीद है कि आइंदा आने वक्त वाला वक्त जो है पाकिस्तान के लिए बेहतरीन होगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट हमारे प्रोग्राम में आप, अभी मुझे मालूम होता है कि ऑयल एंड गैस बड़ी बड़ी मकदार में मिला है, ये खबर अक्सर हम सुनते हैं और पढ़ते हैं, तो आप ज़रा इसके लिए तहकीक कीजिएगा और इसके रियलिटीज़ और इसके हकायक हमारे जो है यहाँ पर सुनने वाले देखने वाले जो हैं, काफ़ी लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि इस बारे में एक रिपोर्ट हमें आप सुनवाएं जो आपके रिपोर्टर हमें दें, तो ये रिक्वेस्ट है आपसे, तो नेक्स्ट टाइम आई होप कि आप ये इसकी रिपोर्ट हमें देंगी। यकीनन दूंगी, बिल्कुल। प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया, कराची के ग्रीन लाइन बसेस के बारे में बताया था, उसके आपको उसके ट्रिप में ऑपरेट करने के लिए कि रश ज्यादा है और अच्छा ठीक को सहूलत मिले, क्योंकि देखिए कराची तो ऐसा शहर है जो सारी रात जागता है और लोग रात में भी काम कर रहे होते हैं, तो उनके लिए ये इसको शुरू किया गया है ये देखते हुए कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सहूलत मिले।
और जितने भी प्रोजेक्ट्स मैंने आपको बताए हैं आप उसको सेटेलाइट के जरिए सपोज मैं आपको पहले आपको खबर दी थी कराची के नालों के बारे में, जिसकी वजह से हमेशा बारिशों में कराची डूब जाता था, वो आप सेटेलाइट के जरिए उसको देख सकते हैं और मालूम कर सकते हैं कि वो किस हद तक कंप्लीट हो गए हैं। ऑलमोस्ट वो कंप्लीट हो चुके हैं और इंशाल्लाह आपका ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं। अभी भी बारिश हुई है तो कभी कहीं भी नहीं सुना गया कि किसी को करंट लग गया या कोई किसी की डेथ हो गई है। तो ये हैं तो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने पहले ही आपको कहा कि इसमें टाइम लगेगा और ये टाइम के मुताबिक ठीक भी हो रहे हैं। बहुत बहुत जबरदस्त जबरदस्त इंफॉर्मेशन आपने दी है पाकिस्तान के बारे में और दिल खुश हो गया कि कितना पॉजिटिव वे में चलता रहेगा और इंशाल्लाह ऐसे ही चलता रहेगा। इंशाल्लाह 2-3 साल में आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा तब्दीली आई है। ये चीजें आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं इसलिए मिलेंगी, जैसे कि मैंने पहले बताया कि हर एक का जो करप्ट लोग हैं उनके अपने अपने इंटरेस्ट हैं, जिसकी वजह से ये ना ऑपोजिशन इसको आने देती है मीडिया पे, ना ही हमारे मीडिया वाले इसको टेकअप करते हैं। और ये बिल्कुल मैं समझती हूँ कि हमारी ऑपोजिशन को तनकीद जरूर करनी चाहिए, लेकिन पॉजिटिव तनकीद करनी चाहिए ताकि जहां भी काम हो सके वो बेहतर है और वो लोगों के इंटरेस्ट में होना चाहिए। कम से कम आप तो हैं हमारे साथ और हमारा मीडिया जो है, हमारा रीमैक जो है शो टीम ऑफ टू टी टॉक पूरी दुनिया में सुना जा रहा है, और अगर जहाँ वो लोग हैं तो वहाँ आप जैसे लोग भी हैं, तो हमें मुकाबला है और इंशाल्लाह ये हम जीतेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, हमारा खुलूस हमारे मुल्क के साथ है, अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामत रखे और उसको तरक्की अदा करे। तो आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया, मजा आ गया, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया, बहुत जबरदस्त इन्फॉर्मेशन, अल्लाह हाफिज़। बहुत मेहनत से इन्फॉर्मेशन लेकर आई थी नीलोफर नसीम फ्रॉम कराची पाकिस्तान, और वाकई ये इन्फॉर्मेशन हमको आम मीडिया पे नहीं नजर आती है। अच्छा जनाब, सूफिया खान साहब आ चुकी है, अस्सलाम वालेकुम कर रही है सूफिया। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग, मोहब्बत का इजहार है, लाइक कर रहे हैं लोग, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने अभी सुना, हमारे पाकिस्तान से रिप्रेजेंटेटिव थी हैं हमारी रिपोर्टर नीलोफर नसीम साहिबा, बहुत अच्छी अच्छी खबरें लेके आती हैं और वाकई ये खबरें हमें आम सुनाई नहीं देती, ना हमें मालूम मालूमात नहीं और ये, लेकिन कम से कम हम इस अपने शो टीम ऑफ टू के ज़रिए हम अवेयरनेस देना चाहते हैं, हम आप लोगों को बताना चाहते हैं, हम पाकिस्तानी भी हैं, हम कैनेडियन भी हैं, हम लॉयल हैं दोनों तरफ, हम वहाँ क्योंकि हमारे रूट्स वहाँ हैं, वहाँ से हम आए हैं, हम कैसे बोल सकते हैं। तो उस चीज़ को हमने उजागर किया हुआ है और हम अपने कनाडा और पाकिस्तान की सलामती के लिए हम वतन दुआ करते हैं और बल्कि पूरे दुनिया की सलामती के लिए अल्लाह पाक से दुआ है कि इस कोरोना वायरस को दुनिया से ख़त्म कर दे, सब लोगों को खुशहाली अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। कीप वॉचिंग शो टीम ऑफ टू, द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू, अहमद एंड शैला जाफरी, यू आर वॉचिंग टी टॉक। जी बिल्कुल, मैं अपने स्पॉन्सर के बारे में बताऊँगी, इंडिया बाजार फ्रेश पिक, बिल्कुल जाना ना भूलें, और अगर जा सकते हैं तो आप ज़रूर जाएं और देखें कि वहाँ क्या क्या है। क्यों मैं इतनी फ़ैन हो गई हूँ, 10405 कैनेडी रोड नॉर्थ ब्रैम्पटन, सैंडलवुड और कैनेडी का इंटरसेक्शन है और हर तरह का इंतज़ाम वहाँ पर कोविड के लिहाज से उन्होंने सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए हुए हैं। सेल्फ कंटेन बिल्डिंग, बहुत सारी पार्किंग है, कोई फिक्र की बात नहीं है, और वहाँ का जो फ्रेश पिक का जो एंटर होते ही जो सेक्शन है फ्रूट और सब्जी का, वहाँ पर दुनिया की कई जगहों से वहाँ प्रोड्यूस आते हैं वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। इसके अलावा साउथ एशियन ग्रोसरी की होलसेल और रिटेल दोनों करते हैं और केटरिंग हर साइज़ की होती है, ईट इन रेस्टोरेंट भी है और मिठाइयाँ बहुत ज़बरदस्त वहाँ की फ्रेश हर वक्त बनती रहती हैं, तो अपने ओकेजन के लिए उनको भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। उनका फ़ोन नंबर है 9058400116, 9058400116। इसके अलावा इनकी एक लोकेशन टोरंटो में भी है, इस्लिंगटन एंड एल्बियन के इंटरसेक्शन पर, और जब भी जाएँ तो आप ज़रूर हवाला दें शो टीम ऑफ टू टी टॉक, अहमद इंशाल्लाह जाफरी, द टीम ऑफ टू,
जस्ट फॉर यू का। जी अहमद, आप कुछ बात करना चाह रहे हाँ, हैं या मैं सिर्फ ये मैं? कहना चाहता हूँ कि हमारी प्यारी सी, अच्छी सी, खूबसूरत सी इंसा बीबी आ चुकी हैं, सलाम कह रही हैं और वेलकम। कह रही हैं ब्यूटीफुल पीपल हाउ आर यू बोथ। हम आपसे पूछते हैं इंसा कि आपकी कैसी तबीयत है, आपकी आँख क्या क्या कहाँ या तक आई सिलसिला होप यू आर पहुँचा। डूइंग अल्लाह वेल। पाक आप लोगों को आँख को बेहतर करे, अच्छा कर दे और आप बिल्कुल ठीक ठाक हो जाए। और हमारी दिली दुआ है, हमें ज़रूर बताइएगा आप जी इंसा। थैंक यू। अच्छा अहमद, मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने कहा था ना, मैं लेकर आई, मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इसको सबसे पहले बता दूं, मगर मैं चाह रही थी कि हमारे जरा हमारा क्राउड और बड़ा होता जाए और माशाल्लाह बहुत से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अहमद देखिए, वेरी जो इस वक्त मैं बता रही हूँ, हर पाकिस्तानी का कंसर्न है, और अगर पाकिस्तानी कम्युनिटी में ऐसा हो रहा है तो हो सकता है दूसरी कम्युनिटीज में भी हो रहा हो। तो बी केयरफुल। ट्यूसडे ऑन्टेरियो सिक्योरिटीज कमीशन, जो OSC कहलाता है, अनाउंस दैट मुजाहिद अली सैयद एंड संजीव कटियाल हैव ईच बीन चार्ज। अच्छा हम कॉल ले लेते हैं। ओह कॉल चली गई। मुजाहिद अली सैयद एंड संजीव कटियाल हैव ईच बीन चार्ज विथ सिक्योरिटीज फ्रॉड एंड ट्रेडिंग विदाउट रजिस्ट्रेशन। ओ माय लेकिन गॉड, किया क्या है उन्होंने? देखिए मैं क्यों इतना जज्बाती हो रही हूँ इसको बोलने में, क्योंकि एज सून एज पॉसिबल मैं इस बात को पूरा करना चाहती हूँ। OSC हुज इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्व कलेक्टिवली असिस्टेंस विद पील रीजनल पुलिस फ्रॉड ब्यूरो के साथ, और बिलीव दैट सैयद अलेजली एक्सेप्टेड अबाउट $2 मिलियन फ्रॉम मोस्टली पाकिस्तानी कैनेडियन इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन देयर फंड्स। और कतियाल जो थे ना, वो संजीव कतियाल, वो जिस वक्त ये सब कुछ हुआ है, ही वॉज अ रजिस्ट्रार एंड CIBC बैंक मैनेजर एट द टाइम। देखें, बताए और कि बिलीव करते हैं लोग कि भाई आप बैंक के मैनेजर हैं तो आप जो बात कर रहे होंगे वो सही कर रहे होंगे, और कहा जा रहा है कतियाल सेलेक्ट करते थे लोगों को कि अब इन लोगों को, क्योंकि ऑफकोर्स ही वॉज बैंक मैनेजर, उनके पास डेटा आता होगा लोगों का, और वो इन लोगों को हमने टारगेट करना है और इन लोगों से हमने पैसे लेने। सेलेक्ट करते थे कतियाल पाकिस्तानी कम्युनिटी को, जो कि उनको लगता था कि बिजनेस में है या जिनके पास पैसा है। तो ये एक क्या कहा, ये कर दिया, कहा ही जा रहा है कि जीरो कर दिया पाकिस्तानी कम्युनिटी, पाकिस्तानी कनेडियन इन्वेस्टर्स को मिस सागा में। तो आप लोग बिल्कुल अवेयरनेस के लिए मैंने ये बताया है कि आप लोग बी केयरफुल कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा देखें कि क्या, ऑफ कोर्स मेहनत से कमाया हुआ आपका पैसा है बुरे और लोग हर आपको, जगह मौजूद होते है ना? हैं, तो ये अल्लाह आप लोगों को महफूज रखे ऐसे लोगों से। हाँ इंसा बीबी का पैगाम आया है कि जनाब वो उनकी सर्जरी कैंसिल हो गई है, अगेन शी इज़ ऑन अ वेटिंग लिस्ट। ओफ इंसा आपकी कॉल आ अल्लाह। रही थी वो कैंसिल हो गई है। इंसा यू कैन कॉल अगेन यू नो इन आवर स्टूडियो। हाँ दूसरी चीज़ कि नीलूफर नसीब साहबा ने दुआएं दी है कि हाँ होप इंसा बीबी इज़ फाइन नाउ, लॉट्स ऑफ प्रेयर्स फॉर हर बेस्ट ऑफ हेल्थ। हाँ आमीन सुमा देखें, आमीन। इतनी सारी दुआ मिल गई इंसा आपको। हाँ जी अच्छा, तो अब हम ये करते हैं कि आप लोग प्लीज ध्यान रखिएगा, और जो भी लोग हैं उनके ऊपर ट्रस्ट करने से पहले आप इन्वेस्टिगेशन भी करें और हाँ उनके बारे में पता भी करें। देखिए बैंक में मैनेजर होने के हवाले से किस होते हुए उन्होंने ये काम किया, विच इज वेरी वेरी सैड, सैड, यस इट और इज इसमें ये दोनों एंड को वेरी पकड़ा बैड। गया, वेरी बैड टू। टॉप डॉक्टर से ऑन्टेरियो वोंट टैक्स क्या है ये, पता है? जैसे कि क्यूबेक में वो लोगों को कहा है ना कि वो जो एंटी वैक्सीन पीपल हैं और वो बीमार होंगे तो उनको टैक्स उनका कुछ उन्होंने सेलेक्ट किया होगा। अरे हमारे पास कॉल है। 702 ओहो नहीं, अच्छा फिर नहीं कनेक्ट हो रही है। अच्छा इंसा बीबी कह रही हैं थैंक यू डियर नीलो फर्नसीन के उस पे, हाँ हाँ और इंशाल्लाह होपफुली सून। अच्छा हाँ, तो वो ये कह रहे हैं, ओंटेरियो ये कह रहा है कि इट इज ओंटेरियो इज नॉट अंडर कंसिडरेशन दीज थिंग्स, के अभी तक उनके उन्होंने इसके बारे में नहीं सोचा। लेकिन एक बड़ी प्यारी सी बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ अहमद, फिर आप जो है ना ज़रूर बात कीजिएगा। वो बात ये कि प्रिंस हैरी एंड मेगन मार्कल जो है ना, वो जो इनका ऑस्कर अवार्ड्स हो रहे हैं उसमें वो लोग उसमें हिस्सा नहीं लेना नहीं चाह ले रहे हैं, रहे। और वो इसलिए नहीं लेना चाह रहे हैं कि क्रिस्टन स्टीवर्ट, जिन्होंने उनकी मदर का एक जो रॉयल उन्होंने एपिसोड बनाए थे, उनकी माँ का कैरेक्टर किया था प्रिंसेस डायना का, और इन दैट कैरेक्टर वेरी क्रिटिकली उन्होंने क्लेम स्पेंसर
आउट विच इज एक्सपेक्टेड टू बी, मतलब उनको वो पसंद नहीं आया था जिस तरह से उनको वो कैरेक्टर दिया गया था. हेलो एंड वेलकम टू शो टीम ऑफ टू. दिस इज निसार कल्लू, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का जी, फरमाइए. माशाल्लाह माशाल्लाह, कैसा चल रहा है शो अभी? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. हाँ जी माशाल्लाह, रिपोर्ट सुनी होगी आपने हमारी पाकिस्तान से डायरेक्ट. मैं वजू करने चला गया था. अच्छा 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 अच्छा. नहीं आप जरूर सुनिएगा उसको बाद में यूट्यूब पर, क्योंकि बड़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है उसमें पाकिस्तान के बारे में भी. जी अच्छा, वेरी गुड. मैं अभी बाद में उसको जरूर जरूर जी फरमाइए. वेरी गुड वेरी गुड, द शो इज गोइंग गुड एंड फैमिली भी अभी तो देख रही थी, लेकिन मैंने पूछा नहीं उनसे क्या क्या बात हो रही है. वेरी गुड. ये चीज हमें जज्बा देती है और अच्छे काम करने का और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का सबके लिए, कि लोगों को अच्छा लग रहा है, लोग इसको समझ रहे हैं. थैंक यू वेरी मच भैया. अच्छा मैं सिर्फ ऐड ये कर देता हूँ कि मैं समता में अगर लाइव नहीं भी सुन पाता तो मैं आपका नॉर्मली प्रोग्राम मिस नहीं करता. यूट्यूब पे जाके या फेसबुक पे जाके मैं इसको दोबारा देख लेता हूँ, सुन लेता हूँ. बहुत शुक्रिया. इसीलिए तो यूट्यूब चैनल बनाया जाता है आप जैसे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे लोगों के लिए, तो है ये सब कुछ. जी जी थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज. फी अमानिल्लाह, बहुत शुक्रिया. देखिए आप जी, अच्छा हम अब प्रिंस हैरी की बात कर रहे हैं, तो उनको इतना गुस्सा है कि उनका ये कैरेक्टर दिखाया गया और जिन एक्ट्रेस ने किया, और कहते हैं उन्होंने इतना अच्छा किरदार उसका निभाया कि एग्जैक्टली जो चाहते थे प्रोड्यूसर्स और जो सुना गया था, जो रॉयल स्टोरीज लिखने वाले होते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट उन्होंने किया था क्रिस्टन स्टीवर्ट ने, और उनको नॉमिनेट किया. उनको ये डर है कि शायद उनको नॉमिनेट किया गया है या किया जा रहा है अवार्ड के लिए, तो इसलिए उन्होंने कहा है कि वो शिरकत नहीं करेंगे. देखिए इतनी बातें उनके लिए हुई, मैं क्यों ये शेयर कर रही हूँ कि उन्होंने फैमिली को छोड़ा, कुछ अंदर की बात रही होगी जिससे उनका दिल दुखा, लेकिन अपनी माँ के लिए उनका दिल कैसा है कि उन्होंने कहा कि वो माँ शिरकत नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें ये डर है कि उनकी माँ का कैरेक्टर जिन्होंने किया है उनको अवार्ड मिल रहा होगा. ये उनके लिए तकलीफ की बात है. देखिए अच्छा, इंसा बीबी की एक जो मैसेज है कि सम reason my call is not going through. Achha. I want to share something with everyone. Oh. So I will call. I'll do it on Saturday morning. Inshallah. Inshallah. बिल्कुल ठीक है. अच्छा जी अहमद, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कुछ ये कहना चाह रहा हूँ जनाब. रियल एस्टेट हाईलाइट में जो है वो एक बड़ी जबरदस्त लिस्टिंग है मेरे पास. अच्छा. जो कि आप लिव एंड वर्क, आप उस घर में रहें और उसमें काम भी करें आप, तो इस किस्म की अपॉर्चुनिटीज बहुत रेयर आती है. और है भी कहाँ पर? मिल्टन. मिल्टन बड़ी फास्ट ग्रोइंग सिटी है, वेरी क्लोज टू स्क्वायर वन. सॉरी मिसिसागा, सिटी ऑफ मिसिसागा. तो इसमें जनाब ये जो प्रॉपर्टी है, इट्स अ डिटैच्ड टू स्टोरी हाउस है और 40x134 का इसका लॉट है. और लिव एंड वर्क इसका ये अपॉर्चुनिटी है इसके अंदर. और इसमें जो है C4 रेजिडेंशियल जोनिंग है. अच्छा. तो इसके लिए आप अगर मजीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं, इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल करें 416-704-0651. अहमद एंड शाहराज जस्ट फॉर यू. तो आप मुझे कॉल कीजिएगा 416-704-0651 पे और मैं आपको इसकी शोइंग करा दूंगा, आपको पसंद आएगी. So we'll go for it. It's a great opportunity. Live and work ke hisab se. Iski zoning bhi different hai. Har cheez aapko explain ki jayegi. Iske alawa real estate mein to aap logon ko maloom hai ki 25-30 saal hum logon ko ho gaye kaam karte hue. Aapki khidmat karte chale ja rahe hain. Aur aap logon ki madad se alhamdulillah, alhamdulillah, everything is going great. Aur commercial jo hai property hai ye. Samajh le ki ek tarah se commercial ke liye jo hai hamare paas badi achhi achhi deals hain is waqt jo hai. बैंक इट ऑल, अगर आपको चाहिए तो कॉल मी 416-704-0651 पे हमें आप कॉल कीजिएगा और इंशाल्लाह आपको शोइंग कराई जाएगी. और फिर आप अगर पसंद आता है तो वी विल गो फॉर इट. जो है इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, तो आप मुझे कॉल कर लें प्लीज 416-704-0651 फॉर ऑल काइंड ऑफ योर रियल एस्टेट नीड एंड सर्विसेज.
जनाब, तो यू आर वॉचिंग शो टीम ऑफ टू. विल गो फॉर लिटिल ब्रेक फॉर अ लिटिल कमर्शियल एंड देन विल बी राइट बैक. ठीक है, इजाजत है जनाब. Buying a house or selling a house, the team of two just for you. That is none other than Ahmed and Shahla Jaffrey. Free market evaluation with no obligation for all your real estate needs. Real estate ki duniya mein एक ऐसा नाम जो आपके घर के सपने को हकीकत में बदलने में कदम कदम आपके साथ. कॉल अहमद एंड शहला जाफरी 416-704-0651. बाइंग अ हाउस. वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं शो टीम ऑफ टू टी टॉक विद अहमद एंड शहला जाफरी, द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू. आपके लिए लेकर आते हैं, यानी कि आपको चाय पे बुलाते हैं हम. और आज हम चाय पे एक और अच्छी सी न्यूज़ आपको सुनाते हैं कि इवेंट्स बाय टीम ऑफ टू, यानी अहमद इंशाल्लाह जाफरी जो 2022 में इवेंट्स करने जा रहे हैं वो सारे प्लान हो गए हैं. ईद फेस्टिवल 12 दिन का ईद फेस्टिवल होने जा रहा है. आप चाहें तो उसमें एक दिन हिस्सा लें, चाहें तो उसमें 12 दिन हिस्सा लें, लेकिन जल्दी करनी है आपको. कॉल कीजिए तमाम बिजनेस कम्युनिटी के लिए. हमने ये एडवेंचर सजा रहे हैं हम आपके लिए ताकि आपके बिजनेस की प्रमोशन, एग्जीबिशन और सेल हो सके. आप अपना बिजनेस बैनर लगाना चाहते हैं, आप वहाँ पर एग्जीबिशन करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, या आप रेस्टोरेंट हैं वहाँ पर आप अपने रेस्टोरेंट का टेस्ट करना कराना चाहते हैं, इन सब चीज़ों के लिए आप कॉल करें 647-273-2393 पर. और इसके अलावा डिज़ाइनर्स एंड ब्राइडल एक्सपो आप लोगों के लिए सजाया जाएगा मिसागा कन्वेंशन सेंटर में 19 मार्च एंड 20 मार्च को. जी बिल्कुल. और आप उसमें भी लाइफस्टाइल एक्सपो है और इसमें तमाम बिजनेसेस वेलकम किए जाते हैं, बट ऑफ कोर्स विद सम लिमिटेशंस. और अगर आप अपने बिजनेस की प्रमोशन, एग्जीबिशन, सेल चाहते हैं तो आप ज़रूर हमसे कांटेक्ट करें 647-273-2393. एंड वी आर गिविंग द अपॉर्चुनिटी टू डेकोरेट, टू डू द प्रेजेंटेशन ऑफ वेडिंग डेकोरेटर इन डिज़ाइनर्स एंड ब्राइडल एक्सपो. तो उसके लिए आप हमें कॉल कीजिए. फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, जिसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी. तो देखते हैं कौन ये लकी डेकोरेटर होता है. डिज़ाइनर्स एंड ब्राइडल एक्सपो के लिए कॉल कीजिए 647-273-2393. स्टॉल बुकिंग के लिए भी सेम नंबर, स्पॉन्सरशिप के लिए भी 647-273-2393 पे कॉल कीजिए. अच्छा जी अहमद, हम बताएं कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन जो है ना, उनसे आजकल रिज़ाइन करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने जो पार्टी मई 20 को अटेंड की थी उस वक्त वहाँ बहुत ज़बरदस्त लॉकडाउन था और बहुत रिस्ट्रिक्शंस थी. तो लेकिन वो ये कहते हैं कि मुझे पता नहीं था कि वहाँ इस किस्म की पार्टी हो रही है. गलत, गलत, और वो मेरे, मैं समझ रहा था काम से रिलेटेड पार्टी है जिसके ऊपर लोग बहुत हंसे और बहुत गुस्सा भी किए. लेकिन उस पार्टी के लिए कहा जा रहा है कि ये अनाउंस हुआ था कि अपना ड्रिंक खुद लेकर आना. और उनकी वाइफ की पिक्चर्स भी शेयर हुई हैं जिसमें वो ड्रिंक कर रहे हैं और ये भी बताया गया कि क्या ड्रिंक हो रहा है. अच्छा, यूएई की तरफ चलते हैं हम. पूरी दुनिया इस वक्त देखें एक हो रही है. उसमें उन्होंने कोविड-19 की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उसमें उन्होंने कहा है, पहले तो उन्होंने कहा था 1 लाख रियाल तक हम वो करेंगे. आई डोंट नो, वो सऊदी अरब ने कहा था. यूएई ने कहा है कि रिस्ट्रिक्शन इस तरह से हैं कि पे नहीं मिलेगी. अगर आपने पहली दफा आपने गलती की है, उनकी नहीं सुना है, तो उसमें 3 दिन की पे. और दूसरी दफा अगर गलत करेंगे आप तो आपकी 5 दिन की पे कटेगी. और तीसरी दफा गलत किया तो फिर 10 डेज की पे कटेगी. और इवन हैंड शेक पर भी आपको चार्ज किया जा सकता है इसी तरह का. देखिए, इसको काबू किसी तरह से करना चाहिए. ये वो लोग हैं जो कि वैक्सीनेटेड नहीं है. मेरी उनसे अपील है, इल्तिजा है कि वो अपने प्लीज
गो गेट योर वैक्सीनेशन, यू नो इट्स नॉट अ बैड थिंग एट ऑल. जहाँ तक साइंटिस्ट कह रहे हैं, मैं उनके अल्फाज आप तक पहुँचा रहा हूँ, और डॉक्टर्स कह रहे हैं, खुद लगा रहे हैं, तो प्लीज़, और इसका रिजल्ट आपके सामने, ठीक है उन लोगों को भी हो रहा है जिन्हें जिनके जो कि वैक्सीनेटेड भी हैं लेकिन उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन कम से कम कुछ तो स्ट्रांग हुआ, इसलिए इतनी सीवियरिटी नहीं है इस चीज़ की. अगर आप वैक्सीनेटेड हो जाते हैं, और आप वैक्सीनेटेड होते हैं, आप दूसरों को भी अपने आप से महफूज रखते हैं और ख़ुद भी महफूज रहते हैं आप लोग. सो प्लीज़ गो गेट द वैक्सीनेशन, मास्क वगैरह लगाइए, डिस्टेंस का ख्याल कीजिए. तो दीज आर द थिंग्स यू नो, वी कैन ऑल टुगेदर वी कैन फाइट अगेंस्ट इट. अच्छा चलो, मैं एक छोटी सी वर्कआउट दिखाना चाहता हूँ कि बहुत ज़रूरी वर्कआउट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली दीज डेज, और वैसे भी वर्कआउट जो है वर्कआउट होना चाहिए. मैं फिजिक ट्रेनिंग देता रहता हूँ सीनियर्स को भी जूनियर्स को भी. तो बहरहाल ये एक सेशन है छोटा सा, आई होप यू आर गोइंग टू लाइक इट, यू नो लेट्स गो सी इट. दो भी कर ली तो बहुत बड़ी बात है यार. फोर ये क्या, फिर हम अगर पूरी रोटेशन करनी है हमने, ठीक है, वन टू थ्री फोर, फिर यहाँ वापस यहाँ, वन टू थ्री फोर. हर वक्त हमें ये ख्याल रखना है. फिर ये बताया था मैंने आपको, ये देखिए, ये देखिए पैर फुट आपका ऐसे नहीं जाए, बिल्कुल ठीक है, यहाँ आप यकीन करें आप लोग वेट लिफ्टिंग नहीं करते, मैं आपको वेट लिफ्टिंग कराना शुरू कर सकता हूँ, कर दूंगा. आई डू वेट लिफ्ट 125, 130, 170. आई डू डंबल्स 35 पाउंड्स स्टिल. कम सी मी इन द जिम, यू विल बी सरप्राइज्ड. बट एनी वन ऑफ कैन डू इट, एनी वन ऑफ अस कैन डू इट एट एनी एज. लोग ये कहते हैं जी 60 साल से ऊपर वेट ना उठाओ, कम ऑन लुक एट मी, अल्हम्दुलिल्लाह. जी बिल्कुल, तैयार हो जाइए वर्कआउट करने के लिए, इसलिए आप लोगों को दिखाई जाती हैं ये चीज़ें, और ज़रूर इंशाल्लाह सबके काम भी आएंगी ये चीज़ें. आप हेल्थ के लिए तो काम करना है. ये पेंडेमिक ने काफ़ी अवेयरनेस दे दी है वैसे हेल्थ के बारे में. हमारे जाने का टाइम हो गया है अहमद, क्या किया जाए, अब जाना तो पड़ेगा ही हमको. लेकिन उससे पहले देखिए, हम ये बातें करते हैं ना कि लोग कहते हैं हम पाकिस्तान से होकर आ रहे हैं, वहाँ कोई कोविड नहीं है, हालांकि हम सुन रहे हैं कि वहाँ काफ़ी है. लेकिन एक फ़ोन कन्वर्सेशन में आपको सुनाना चाहती हूँ कि वहाँ किस तरह से लोग सोच रहे हैं. देखिए सुनिए, सुनाइए. हाँ भाई, हम भी बस क्या बताऊँ मैं, हम कल आए रात को, सबकी तबीयतें इतनी ख़राब, कोई इधर पड़ा हुआ है, कोई उधर पड़ा हुआ है, बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हो रही उठने की, जिस्म में इतना दर्द लग रहा है कोई बाकायदा हथौड़े मार रहा हो. कुछ इतनी मेरे तो सर में टीसें उठ रही हैं, सुबह से उठूँ तो चक्कर आ रहे हैं बिल्कुल. अब मैंने अभी यखनी बनाई थी मैंने कि सब पी लें, तो उसमें कोई जायका नहीं. उसमें अभी से मुझे थोड़ी चिप्स दी, वो खा रहे हैं तो लग रहे सूखी हुई लकड़ी चबा रहे. बिल्कुल मतलब समझ में नहीं आ रहा, ये पूरा घर ही पड़ा. मेरी खुद मैं अभी उठी हूँ मगरिब की नमाज पढ़ने, तो बिल्कुल वरना हिम्मत ही नहीं थी. अब तो पैनाडोल भी असर नहीं कर रही. कोविड नहीं, नहीं कोविड नहीं होएगा. कोविड नहीं है. देखा, इतनी सारी निशानियां बता दी हैं, लेकिन अच्छा, बिलीव अच्छा, नहीं आपने, है कि कोविड है. और क्या कह रही थी कि मैं उठी हूँ मगरिब की नमाज पढ़ने की, लोग फजर के लिए उठते हैं, तो ये सोचिए कि पूरा दिन सो रही है. उठा नहीं जा रहा था. मतलब ये बातें हो रही हैं, करें आप लोग. ये बातें हो रही हैं और इसी तरह बातें कर रहे हैं. और वाकई ऐसा हो रहा है कि लोग कह रहे हैं भाई फ्लू से सारा घर पड़ा है,
हाँ, कोविड नहीं है, बस फ्लू है। आज मेरे एक साथी से बात हो रही थी, उनकी पूरी फैमिली अमेरिका गई हुई थी घूमने फिरने के लिए, बताइए आप। जी ठीक है, कहने लगे यार किसी तरह से, तो मैं तो आ गया क्योंकि मेरा नेगेटिव आया था। अच्छा, वहाँ कहने लगे जिनको कोई सिम्टम्स नहीं है उनको कोविड है, और कई लेकिन, लोग हैं वाकई बहुत बीमार हैं, लेकिन हाँ, कहने लगे कि अजीब चीज़ है ये, और वह कह रहे थे लेकिन कि एक बहुत बात ख्याल करें आप अहमद, लोग, एक बात, बिल्कुल ख्याल करना वेरी चाहिए। डेंजरस, हाँ क्योंकि उन्होंने कहा कि वो तो आ गए, उनका नेगेटिव निकला, लेकिन हाँ जो लोग साथ रहते हैं उन सबको आइसोलेट करना पड़ता हाँ है बिल्कुल अपने आप को, फॉर वट एवर इज दी रिस्ट्रिक्शन, हाँ 10 डेज या 15 डेज, हाँ उनको भी बाहर नहीं निकलने की हाँ लिए कहा जाता है कि वो भी घर में रहे, हाँ क्योंकि सम पीपल आर कैरियर ऑफ दैट, हाँ है ना? तो ये हाँ बहुत डेंजरस हुआ। आई डोंट नो, आई डोंट नो। एनीवेज, जाने का टाइम है, बात तो हमें, बातें तो हमारे पास बहुत सारी हैं, हाँ और जनाब बातें करते ही चले जाएंगे क्योंकि चाय पे तो हम आते ही इसीलिए हैं, और चाय तो अभी थोड़ी सी बाकी है, हम कुछ बातें और कर सकते हैं, लेकिन टाइम हमको बता रहा है कि तुम्हें जाना है, हाँ हमें नीलोफर जाना है। साहबा कह रही है कि पाकिस्तान में बड़ी तेजी से स्प्रेड हो रहा है ये। जी देखिए, सही हाँ कह रही है बट इफ वो। दीज पीपल आर टेस्टेड फॉर कोरोना दी रिजल्ट्स आर नेगेटिव। हाँ, कई लोगों को नेगेटिव भी है नहीं, उसके लेकिन लिए ये भी कहा जा रहा है कि वो जो इंस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं ना, हाँ वो हाँ वो एक्यूरेट नहीं होते, और दूसरे ये कि जो ओमिक्रॉन है, अगर आप फर्स्ट 3-4 डेज में करें, 5 डेज में, तो समटाइम पॉजिटिव नहीं निकलता, बाद में पॉजिटिव होता है। ये एनीवेज सब तो बी डॉक्टर्स वेरी की बातें हैं, केयरफुल, लेकिन अब जस्ट वी जाने का लव टाइम यू हो ऑल। गया है। बिल्कुल, खुदा ओके हाफिज खुदा करना हाफिज है करते हमने। हैं, तो जनाब ये लीजिए कि मैं पहले एज यूजुअल खुदा हाफिज करता हूँ आप लोगों से इस नोट के साथ कि हैव यू डन योर वर्कआउट। वेल नो, इफ नो प्लीज डू सो, व्हाई? बिकॉज आई सेड सो, कीप वर्किंग आउट एंड इट रियली वर्क्स। एंड फिर मैं यही कहता हूँ कि इफ आई कैन डू इट यू कैन डू मच बेटर। सो जनाब जरूर वर्कआउट कीजिएगा, और आपके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है, स्ट्रांग होना चाहिए, वाइटामिन सी वगैरह लीजिए, अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और एहतियात बरतिए। दूसरे ये कि उसके साथ साथ ये तो आप के एक आप लोगों को मशवरा है वर्कआउट का, अगर आप खुदा ना खास्ता स्मोकर हैं तो प्लीज़ क्विट स्मोकिंग, इट्स नॉट गुड एट ऑल। और दुआओं के साथ कि परवरदिगार आलम आप लोगों से ज़िंदगी और खुशियाँ नसीब फरमाए। ठीक है, और आपको रियल इस्टेट के बारे में कभी कोई मालूम लेनी है, बातें करनी है, आपको फ्री मार्केट वैल्यूएशन एट नो ऑब्लिगेशन, हमसे रब्ता करना है 416-704-0651 पर रब्ता कीजिएगा। अहमद इन शाला जाफरी द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू, मी माई सेल्फ शाला अतर, वी ऑल वर्क फॉर रीमैक्स रियल इस्टेट सेंटर, आवर ऑफिस इन मिसिसागा, वेरी क्लोज टू स्क्वायर वन, बड़ा अच्छा एनवायरमेंट है, यू कैन विजिट अस एनी टाइम, गिव अस अ कॉल 416-704-0651। खुदावंद तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस दुनिया से कोरोना वायरस का खात्मा बिलखैर फरमा दे, आप लोगों को सेहत इज़्ज़त और खुशियाँ नसीब फरमाए, आप लोगों की दिली मुरादें ख्वाहिशात परवरदिगार जो नेक तमन्ना है वो पूरी करे, महफूज रखे आप सबको, हमें भी अपनी दुआ में शामिल हाल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया वॉश करने का, अल्लाह हाफिज़ नासिर, फ़ी अमान अल्लाह, थैंक यू। बिल्कुल, मुझे भी जाना पड़ेगा, दिल तो नहीं चाहता आपसे जुदाई का। चाय के कप के साथ हम फिर हाजिर होंगे आपके खदमत में, और जल्दी हाजिर होंगे, सैटरडे मॉर्निंग गुड मॉर्निंग शो लेकर चाय पे बुलाएंगे आपको। अहमद इंशाल्लाह जाफरी, तो आना ज़रूर है आपको, हमारी ये दावत कबूल करनी है कि चाय पे आना है सैटरडे को, सैटरडे मॉर्निंग 11 AM ईस्टर्न टाइम। अच्छा, बिल्कुल, जाने के लिए हम खुदा हाफिज़ करेंगे, लेकिन खुदा हाफिज़ करने से पहले अहमद, मैं ये बात कही जाती है ना कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, इंशाल्लाह सोचते हैं ना, लेकिन कुछ लोगों का कहना ये है कि जो अच्छे दिनों के इंतज़ार में रहे, बाद में सोचा कि वो तो हमारे बहुत अच्छे दिन थे जो गुजर गए। तो जो भी दिन आपको मिले उसको एंजॉय कीजिए। नीलोफर साहबा भी खुदा हाफिज कह रही हैं, अच्छा, वाह, सुफिया खान कह रही हैं लव यू गाइस, खुदा थैंक यू हाफिज, सो मच, और नीलोफर नसीम साहबा भी कह रही हैं आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। तो बस आपसे इजाज़त चाहेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, पॉजिटिव थॉट्स के साथ रहना है आपको हमेशा, और हंसते मुस्कुराते रहना है, दुआ में याद रखें। अहमद इंशाल्लाह जाफरी, द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू की तरफ से, अल्लाह हाफिज़, शब खैर।